हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता एंड मेरे चैनल पर सबका स्वागत है। अभी दिल से स्वागत करते हुए चलो आज टेक्सचरी कुछ बनाते हैं। तो मैंने एक अपने ड्रेस से इंस्पायर्ड होके बनाया है। एक चिकनकारी वाली कुर्ती थी जिसमें से फ्लावर बना हुआ था। फ़िलहाल तो वो ड्रेस नहीं है मेरे पास, बट मैंने उसी से इंस्पायर्ड हुआ होके इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो कुछ बनाते हैं। देन मैंने कई सारे सेप्स के मैंने मोल्ड लेके कट कर लिया है। कट करने के बाद हम लोग इयर रिंग्स बनाना स्टार्ट कर लेंगे। चलो चलते हैं, इयर रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये मेरा पहला इयर रिंग है। तो पहले मैंने दो सर्कल वाली उठा ली, ये थोड़ा सा बड़ा था। मैंने चार सर्कल काटे थे, दो छोटा और दो बड़ा। एंड मैं इसमें घुंघरू बीड्स यूज करने वाली हूँ। आई लव घुंघरू बीड्स। एंड यू कैन कॉमेंट ऑन माई कॉमेंट बॉक्स कि आपको घुंघरू बीड्स कितना पसंद है। ये मुझे इसीलिए पसंद है, जब आप इसे पहनते हो तो वो स्विंग करता है, एंड स्विंग करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसमें रियल घुंघरू लगा दे तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो कान में ना एक अच्छी सी आवाज़ आती है, छन 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 छन। I love that sound and चलो वो तो बन गया, वो बहुत ही ईजी था। ये आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। आप अनदर मटेरियल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ लाइक पॉलीमर क्ले, एयर ड्राई क्ले, एंड जो वाइट वाली एमसिल आती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसको जलाने का कोई झंझट नहीं रहता है, तो आप उससे ये सब बना के आप पहन सकते हैं इजीली घर पे ही। तो ये जो सेकंड वाला जो बना रही हूँ, ये थोड़ा फिश जैसा लग रहा है। और ये बहुत ही सुंदर था, ये मेरा फेवरेट वाला है। तो ये उसके बाद उसके नीचे भी एक घुंघरू बीड्स ऐड कर दिया है। तो अभी मैंने बताया मुझे घुंघरू बीड्स कितने पसंद है। मेरा बस चल तो मैं हर इयर रिंग में लगा दूँ, लेकिन अच्छा भी तो लगना चाहिए ना। तो ये हो गया मेरा सेकंड वाला, एंड थर्ड वन ये लास्ट है। ओके, मेरा आर्ट आपको कैसा लगता है देखने में, प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए। एंड यदि आपको अच्छा लगे तो ही प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय आर्ट। मैं ऐसे ही कुछ नया नया क्रिएटिविटी लाती रहती हूँ, एंड मुझे बहुत पसंद है। तो पहले तो हम लोग जो साइड्स होते हैं उसे फिनिशिंग कर देते हैं, ताकि वो बड़ा खावड़ा ना रहे। तो ओके, एंड उसके बाद मैंने हुक्स लगा लिए हैं। हुक्स तो लगा लिया, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो उसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सही बोलूँ तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं कैसे लगाने वाली हूँ, तो इसीलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो सब ठीक है। चलो फाइनली मैंने लगा ही लिया, एंड इसे मैं फायर करूँगी, इसे कलरिंग करूँगी, उसके बाद मैं वीडियो छोड़ूँगी इसका, तो और भी सुंदर लगेगा। वैसे मैं इसे बनाने का प्रोसेस ही बता रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करिएगा। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा है, बट एन्जॉय इट, एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। टेक केयर एंड स्वस्थ रहिए। बाय।